स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग ईश्वर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे CG बोर्ड पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट 2022 क्लास 10th एंड 12th पूरक परीक्षा रिजल्ट डेट घोषित हो गई। दोस्तों आपका रिजल्ट किस तारीख को आने वाले वो अपना रिजल्ट किस तरह से आपको निकालना है क्लास 10th एंड 12th का। और दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कॉलेज प्रथम वर्ष प्रवेश लास्ट डेट क्या है, 11th कक्षा में प्रवेश लास्ट डेट क्या है। दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बात कर लीजिए दोस्तों आपको कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन लेने की लास्ट डेट क्या है। दोस्तों आपका जो कॉलेज एडमिशन प्रथम वर्ष का 16 जून से स्टार्ट हो गया है और 16 अगस्त तक आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यदि कोई छात्र यहाँ पर 16 अगस्त तक यदि कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाता है तो उनके लिए दोस्तों 26 अगस्त उनके लिए लास्ट डेट है। मतलब दोस्तों आप 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आपको कॉलेज प्रथम वर्ष में यहाँ पर एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद दोस्तों आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लीजिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पहले में दोस्तों आपको यहाँ पर चाहिए 10वीं 12वीं अंक सूची की फोटोकॉपी चाहिए। दूसरे में दोस्तों आपको चाहिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे बोलते हैं TC बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको चाहिए जातिवाद निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए। और चौथे नंबर पे आपको यहाँ पर चाहिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। पांचवें नंबर पर आपको चाहिए यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। और छठे नंबर पर आपको यहाँ पर चाहिए मार्गदर्शन सर्टिफिकेट। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर लीजिए, आपकी फ़ोटो भी लगेंगे, यहाँ पर 2 से लेकर 3 फोटो आपके यहाँ से लग सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कक्षा 11th में जो छात्र यहाँ पर कक्षा 10वीं की यहाँ पर परीक्षा दी है, वो पूरक परीक्षा यहाँ पर दी है, ठीक है, उनके लिए लास्ट डेट क्या है यहाँ पर स्कूल की। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी स्कूल की यहाँ पर लास्ट डेट है एडमिशन लेने की 16 अगस्त। मतलब दोस्तों आप 16 अगस्त तक यहाँ पर स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, अगली कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं 16 अगस्त तक। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर दिया दोस्तों यहाँ पर 10 दिवस के अंदर आपको यहाँ पर स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपको पूरक परीक्षा का रिजल्ट किस तरह से निकालना है। दोस्तों आपको अपना पूरक परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। दोस्तों आप किसी भी ब्राउजर में जा सकते हैं, तो दोस्तों हम चलेंगे अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। जैसा कि दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल के यहाँ पर क्रोम ब्राउज पे आ गए। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 3 डॉट पे क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों अपने मोबाइल के यहाँ पर क्रोम ब्राउज को डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या टाइप करना है, दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है CGBSE। दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करना है CGBSE। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपके यहाँ पर सामने दिख रहा होगा CG बोर्ड की यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट। दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस आधिकारिक वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपका पूरक परीक्षा या फिर कह सकते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट कक्षा 10वीं और 12वीं का कब आने वाला है, किस तारीख को आने वाला है। दोस्तों आपका रिजल्ट 12 अगस्त है, ठीक है। दोस्तों 12 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपको अपना रिजल्ट किस तरह से निकालना है। दोस्तों 12 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कॉलेज या फिर कह सकते हैं 11th कक्षा में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपको अपना रिजल्ट किस तरह से निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, थोड़ा सा हम नीचे चल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा दोस्तों विद्यार्थी कॉर्नर। दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा परीक्षा परिणाम 2022, परीक्षा परिणाम 2021, परीक्षा परिणाम 2022 सॉरी 2020। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा प्रवेश पत्र। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ परीक्षा परिणाम 2022 पे क्लिक करना होगा। दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिख पाए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको परीक्षा परिणाम 2022 पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यदि आप कक्षा 10वीं हो
तो दोस्तों आपको यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा परिणाम पे क्लिक करना होगा। यदि दोस्तों आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2022 में यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक कर देते हाई स्कूल परीक्षा परिणाम 2022, दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर तीन यहाँ पर निकल के आ गए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारा तीन बिंदु निकल के आ गए। पहले पे यहाँ पर लिखा रहा है मुख्य परीक्षा पुनर्गणना, दूसरे में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है मुख्य परीक्षा पुनर्मूल्यांकन, और तीसरे में यहाँ पर लिखा दोस्तों मुख्य परीक्षा, और चौथे में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा दोस्तों पूरक परीक्षा। ठीक है, क्या लिखा रहेगा दोस्तों चौथे नंबर पे पूरक परीक्षा। जैसे ही आपका रिजल्ट 12 अगस्त को आने आ जाएगा, ठीक है, 12 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ऐसी, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों मुख्य परीक्षा, ऐसे ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट यहाँ पर खुल जाएगा तो आपको दोस्तों उस पॉइंट पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर मैं क्लिक करके देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको दोस्तों बता देता हूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा पर क्लिक करेंगे, दोस्तों यहाँ पर हमने मुख्य परीक्षा पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर पेज ओपन होकर आ गया है। दोस्तों फर्क इतना सा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा हाई स्कूल टेंथ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रिजल्ट 2022। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, आपको पहले नंबर पर आपका क्या करना होगा दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना होगा जो आपके एडमिट कार्ड में है, परिसर में है। ठीक है, कौन से वाले दोस्तों, जो आपने सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा दी है दोस्तों, उस एडमिट कार्ड में यहाँ पर आपके रोल नंबर होंगे, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर टाइप करना होगा। और दूसरे नंबर में आपको दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना होगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आप रिजल्ट खुल के आ जाएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर दोस्तों आप ऑनलाइन पर जाकर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कक्षा ट्वेल्थ की, आपको कक्षा ट्वेल्थ का रिजल्ट किस तरह से निकालना है पूरक परीक्षा का। दोस्तों आपको अपना रिजल्ट निकालने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक चल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम ब्रेक आ गए, दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम 2022। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है, जैसे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर थ्री बिंदु दिख रहे होंगे। ठीक है, पहले में लिखा रहा है मुख्य परीक्षा पुनर्गणना, दूसरे में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है मुख्य परीक्षा पुनर्मूल्यांकन, और तीसरे में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है मुख्य परीक्षा, और चौथे में दोस्तों आपको यहाँ पर लिखा रहेगा पूरक परीक्षा। आपको दोस्तों यहाँ पर पूरक परीक्षा पर क्लिक करना होगा 12 अगस्त 2022 को। ठीक है दोस्तों, आपको डेट याद होना चाहिए दोस्तों, 12 अगस्त को आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरक परीक्षा ऐसा लिखा रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों मैंने एग्जाम्पल के लिए क्लास ट्वेल्थ का यहाँ पर चेक करके बता दिया है। ठीक है, ऐसे आपको क्लास ट्वेल्थ का निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ गई होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।